जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के मासिक राशिफल के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये मासिक राशिफल का जो प्रोग्राम है वो बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर हम जनवरी 2022 के मासिक राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। साल का जो पहला महीना है, साल की जो शुरुआत है, वो आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है, इस प्रोग्राम में विस्तार पर हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर चर्चा होगी 2022 के मुख्य ग्रह राशि परिवर्तन की, जिसमें बुध, शुक्र ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल राशि का परिवर्तन करने वाले हैं, और इनका प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर किस प्रकार पड़ने वाला है। फिर चाहे वो आपकी इनकम हो, आपकी जॉब हो, आपका अपना व्यापार हो, आपका भाग्य, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन साथी के साथ रिलेशंस, आपकी पढ़ाई, हर पहलू की चर्चा यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम लोग विस्तार से करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, और हमारे बाकी व्यूअर्स को भी आप साल 2022 की शुभकामनाएं दे सकते हैं। चलिए अब बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं साल 2022 के इस मासिक राशिफल प्रोग्राम की चर्चा के साथ। चलिए भक्तगण, चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि जनवरी 2022 में कौन से मुख्य ग्रह कब अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर साल 2022 का जो पहला महीना है, हम लोग काल पुरुष की कुंडली का यहाँ पर अगर अध्ययन करें, तो जो पहला भाव है वो मुख्य ग्रहों से वंचित है। यहाँ पर जो दूसरा भाव है, वहां पर राहु वृषभ राशि में विराजमान है, और ये इनकी उच्च राशि भी मानी गई है। यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा, ये जो सभी भाव हैं, ये मुख्य ग्रहों से वंचित हैं। इनमें कोई भी मुख्य ग्रह जनवरी 2022 में विराजमान नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, एट्थ हाउस की। तो एट्थ हाउस में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर केतु देवता महीने की शुरुआत में विराजमान है, और ये पूरे महीने इसी प्रकार यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। तो राहु और केतु के एक तरफ, यानी कि दो से लेके आठवें भाव, तो अगर हम लोग देखें काल पुरुष की कुंडली में, तो कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। ये एक प्रकार से यहाँ पर काल सर्प दोष का निर्माण जो है वो ट्रांजिट कुंडली में हो रहा है। ये हर व्यक्ति के लिए बराबर रूप से लागू होता है, यानी कि ट्रांजिट कुंडली में अभी काल सर्प दोष लगा हुआ है। इस दौरान पैदा हुए बच्चों को, सभी को काल सर्प दोष यहाँ पर पीड़ित करेगा। इसमें सिर्फ जो लाभ है वो थोड़ा सा तब मिल सकता है जब चंद्रमा इस काल सर्प को तोड़कर बाहर आएंगे, फिर भी आंशिक रूप से काल सर्प दोष तो इस पूरे ड्यूरेशन में लगा रहने वाला है। जनवरी 2022 में पैदा हुए हर बच्चे के ऊपर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से काल सर्प दोष जो है वो लगेगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल ग्रह भी विराजमान है, जो कि अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, और अपनी स्वराशि से निकलकर, यानी वृश्चिक राशि से निकलकर, वो धनु राशि में आकर 16 जनवरी को वास करने लगेगी। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि नाइन्थ हाउस, यानी कि धनु राशि में इस समय पर क्या स्थिति है, तो यहाँ पर महीने की शुरुआत से ही शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में विराजमान है, जो कि 29 जनवरी को वक्री से पुनः मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ये शुक्र की स्थिति है यहाँ पर जनवरी 2022। आगे हम लोग बात करें, तो यहाँ पर मैंने बताया कि मंगल तो आ ही रहे हैं, सूर्य देवता
जो कि महीने की शुरुआत में यहाँ पर धनु राशि में विराजमान थे, मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और आकर वास करने लगेंगे मकर राशि में। मकर राशि क्योंकि शनिदेव की राशि है, उनके पुत्र की राशि है, वहां पर वो आकर विराजमान होंगे, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो 10th हाउस है, मकर राशि का भाव है, वहां पर कौन से ग्रह विराजमान रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बुध ग्रह जो है, मर्क्यूरी जो है, वो पूरे महीने विराजमान है और महीने की ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 14 जनवरी को वो मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। पूरे महीने वो यही मकर राशि में विराजमान होने वाले हैं। यहाँ पर शनि देवता भी विराजमान है भक्तों, जो कि उनकी अपनी ही राशि में विराजमान है और इस पूरे महीने ऐसे ही रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि यानी कि 11th हाउस में बृहस्पति देवता इस पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं और अंत में जो 12वां भाव है वो मुख्य ग्रहों से वंचित रहने वाला है। तो ये इस महीने का ग्रह गोचर है। अब इसका प्रभाव आपके जीवन के कौन से क्षेत्र पर किस प्रकार पड़ने वाला है, इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए मतलब चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि हमारे जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनकी इनकम की स्थिति जनवरी 2022 में किस प्रकार रह सकती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आकलन करेंगे कुंडली 11वें और द्वितीय भाव का। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 11वां जो भाव है वो मुख्य ग्रहों से वंचित है, परंतु जो द्वितीय भाव है वहां पर आपको ग्रहों का मूवमेंट दिखाई देगा। पहले हम लोग 11वें भाव की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो 11वां भाव है उसके जो हमारे स्वामी हैं वो स्वामी हैं हमारे बुध देवता। इस भाव में राहु देवता की जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है। तो अब इसका मिला जुला प्रभाव क्या होने वाला है, आइए इसको समझते हैं। तो बुध देवता जो कि मालिक हैं वो यहाँ पर तृतीय भाव में समय पर विराजमान है। महीने की शुरुआत में वो यहाँ पर वक्री रहने वाले हैं, माफ कीजिएगा, मार्गी होंगे और फिर महीने के दूसरे भाग में यहाँ पर वो वक्री हो जाएंगे। तो जब तक वो मार्गी हैं तब तक आपको भाइयों से विशेष तौर पर छोटे भाई या छोटी बहन के अच्छे सजेशंस प्राप्त होने की वजह से इनकम की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। साथ ही साथ यदि आपके अंदर कोई कला है तो वो कला भी आपके सामने इनकम की अपॉर्चुनिटी लेकर खड़ी कर सकती है। साथ ही साथ जो लोग मीडिया जर्नलिज्म में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। उनको इस समय पे बहुत से क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, जो वर्क प्लेस पर उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाएंगे और आपको मान सम्मान और शौहरत दिलवाएंगे। तो ये रिजल्ट आपको महीने के पहले भाग में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम महीने के दूसरे भाग की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कारण ये है कि यहाँ पर बुध हो जाएंगे वक्री। अब वक्री हो जाएंगे तो बुध इंटेंस रिजल्ट देते हैं। वक्री होने का अर्थ है कि जो ग्रह है वो धरती के सबसे ज्यादा पास आ गया है। इस तरीके से है कि बुध देवता आकाश में अब उल्टे जाते हुए नजर आ रहे हैं जब हमें उन्हें बुध पृथ्वी से देख रहे हैं। तो ये तभी होता है जब ग्रह कि जो दूरी है वो पृथ्वी से सबसे कम हो जाती है और इस स्थिति में जो फल है वो इंटेंस मिलते हैं। यानी कि बुध देवता अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे और इंटेंस फल मिलेंगे, यानी कि बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और यहीं अगर बुध देवता आपकी कुंडली में खराब है, उनकी स्थिति खराब है, यानी कि जन्म कुंडली में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो यहाँ पर उसके खराब परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है और इसका जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है वो आपकी जन्म कुंडली देखने के पश्चात ही हो सकता है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की। तो देखिए द्वितीय भाव जो कि सेविंग्स को दर्शाता है उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर शुक्र देवता विराजमान है और शुक्र देवता पीड़ित हो रहे हैं, दर्शाता है कि अपने आप को पॉपुलराइज करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी मार्केटिंग करने में
आपका जो धन है वो खर्च उसमें हो सकता है। और जो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर कई लोग देखे क्या करते हैं कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इन द सेंस मेकअप या फिर और कोई ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी में कराने का प्रयास करते हैं, उसमें भी आपकी जो मेहनत से कमाई हुई जो धन संपत्ति है उसमें व्यर्थ हो सकती है। तो ऐसी ऐसी इच्छाएं आपके अंदर जागृत हो सकती हैं जिनको आपको थोड़ा सा सप्रेस करने की आवश्यकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। तो ये जो शुक्र देवता की स्थिति है इस पूरे महीने इसी प्रकार रहने वाली है। शुक्र देवता यहाँ पर वक्री अवस्था में है और शुक्र देवता आपकी कुंडली में देखिए 12वें यानी कि खर्चों के भाव के स्वामी भी हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इस समय पर पैसा सेव करने में आपको अड़चनें आएंगी। जो आप पैसा कमा रहे हैं उसको आप व्यर्थ कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं और अत्यधिक खर्चे कर सकते हैं। तो इन चीजों से सावधान रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कर्मों की दृष्टि से समय कैसा रहने वाला है हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो जब कर्मों की चर्चा होगी तो कुंडली के दशम भाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। दशम के जो स्वामी है वो सूर्य देवता है। सूर्य देवता की स्थिति द्वितीय भाव में महीने की शुरुआत में और उसके बाद वो तृतीय भाव में चले जाएंगे मकर संक्रांति के उपरांत। जब तक वो द्वितीय भाव में है तब तक तो फिर भी ठीक है, जब वो तृतीय में चले जाएंगे तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, थोड़ी परेशानियां आएंगी। तो इस समय पर अगर आपके इंटरव्यूज हैं या फिर आपको कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ज्यादा अच्छा समय जो है वो महीने का पहला भाग है। यहाँ पर हम लोग बृहस्पति की स्थिति को भी देखेंगे। आप कुंडली में देख भी पाएंगे स्क्रीन पर कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति की जो पूर्ण दृष्टि है सप्तम में है और ये कहा जाता है कि बृहस्पति जहां पर सीधा सीधा देखते हैं वहां पर सबसे ज्यादा अधिक फल देते हैं। और ये जो बृहस्पति है यहाँ पर आपको अच्छे फल भी दे सकते हैं। तो बृहस्पति जहां पर भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, अपना पूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं अपने मित्र के घर में, सूर्य देवता जो है वो बृहस्पति के मित्र हैं और उनके घर में बृहस्पति की यानी उनके फ्रेंड की जो पूर्ण दृष्टि पड़ रही है उससे एक्सपेंशन भी मिलता है, यानी कि प्रमोशन, वर्क प्लेस पर रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें भी बृहस्पति देवता आपको प्रदान कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं फिर पुनः दोहराना चाहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा समय रहेगा किसी भी प्रकार के वर्क प्लेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए, वो जनवरी का पहला भाग रहेगा। दूसरे भाग में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, उस दौरान डिसीजंस लेने से आप थोड़ा परहेज करें तो ही बेहतर है। चलिए बच्चों, चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उससे पूर्व बात करेंगे कि देखिए हमारे जीवन में बहुत सी अड़चनें आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं और हम आपको मासिक राशिफल के माध्यम से जागरूक करना चाहते हैं कि आपके साथ क्या घटनाएं घट सकती हैं उस पूरे महीने में। तो ये जो प्रिडिक्शन हम यहाँ पर देते हैं वो आप पर 60 से 70% तक लागू होती है, परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपकी अपनी जन्म कुंडली है, यानी कि जिस समय पर आपने जन्म लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बुध के रिस्पेक्ट में कि बुध जब वक्री होंगे तब उनके जो फल निर्धारित होंगे वो उसी से निर्धारित होंगे कि वो आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार बैठे। अगर जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर वो खराब बैठे हुए हैं जहां पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है और यही अगर उनकी महादशा या अंतरदशा से कोइंसाइड कर जाता है तो इस समय पर बुध बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीजें ही हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। दुनिया में 750 करोड़ लोग अब जन्म ले चुके हैं और इस पृथ्वी पर इस समय पर रह रहे हैं और हर किसी की जो स्थिति है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। हर कोई अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता है। इसका कारण यही है कि हमारी जो जन्म कुंडली में नवग्रह देवताओं की प्लेसमेंट है वही निर्धारित करेगी कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कब और कैसे घटेगी। तो आवश्यकता है कि जो ये नया साल स्टार्ट हुआ है इसमें आप अपनी समझदारी से और साथ साथ ये जानते बूझते समझते हुए कि आप इन नवग्रह देवताओं की मूवमेंट के अंतर्गत ही अपने जीवन में कोई भी कार्य करेंगे या उनका फल भोगेंगे,
आवश्यकता है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर जरूरी कदम उठाएं, यानी कि जो ज्योतिषीय उपाय हैं अपने खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए वो आपको समय समय पर करने चाहिए। और ये आपको तभी पता लगेंगे जब जन्म कुंडली का अध्ययन कराएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर शनि मंदिर में बैठे हुए हैं। आप गुरु रजनी शिशि जी, गुरु माँ रुक्मणी जी या मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि जी से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन घर बैठे करा सकते हैं। हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है, उसका क्या फल हो सकता है और यदि उनका फल अच्छा नहीं है तो उनको सुधारने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। बहुत से सरल और आसान से उपाय जो निश्चित तौर पर असरदार हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित है, हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें खोजा है और टेस्ट करने के पश्चात ही हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित किया है। उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर हमारे शनि मंदिर के माध्यम से अपने भक्तों की मदद करते हैं, उनको गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो आप भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का जो अध्ययन है जल्द से जल्द करवाएं और इसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क साध सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ये महसूस करता है कि फाइनेंशियल तौर पर आप कमजोर हैं और अभी अपॉइंटमेंट लेने में आप समर्थ नहीं हैं, तो आप घर बैठे हमसे सर्व कार्य सिद्धि लॉकेट और सर्व कार्य सिद्धि अंगूठी जो है वो मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत में हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। जय शनिदेव। गुरु मां प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, मेरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद यादव। मैं मलेशिया में जब करता था, मैंने ऐसा समस्या में फंस गए थे कि मत पूछो, मैं लाइफ में कभी नहीं बोला था, सोचा था कि मैं ऊपर हो सकूंगी। मैंने यूट्यूब में गुरु माँ को एक वीडियो देखा, उस वीडियो में गुरु माँ ने एक उपाय बताया था, मैंने उस उपाय को किया, मेरा हर काम बनने लग गया। आप लोग भी को किसी को कोई समस्या है तो गुरु माँ को पास जाइए, गुरु माँ से संपर्क कीजिए, सब समस्या का समाधान गुरु माँ कर देंगे। गुरु माँ और क्या बोलूँगा, इतना मैं खुश इतना खुश हूँ, जितना भी मैं तारीफ करूँ उतने कम है। सदा कृपा बने रखना गुरु माँ। जय सतगुरु। चलिए भक्तों, चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि भाग्य की दृष्टि से समय कैसा रहने वाला है हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो जब कभी भाग्य की चर्चा करेंगे तो कुंडली के हम लोग नवम भाव का अध्ययन करेंगे। नवम के स्वामी चंद्रमा है, इस भाव पर इस समय पर शनि और बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब शनि इसमें अपने ही घर में विराजमान है, परंतु जो बुध है वो भी शनि के घर में ही इस समय पर विराजमान है। ना बहुत ज्यादा शत्रुता है ना बहुत ज्यादा मित्रता है इन बुध देवता और शनि देव के बीच में। जो मालिक है चंद्रमा वो तो आप जानते ही हैं, हर ढाई दिन में गोचर करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जिससे उनका अलग अलग जो परिणाम है वो हमको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर केतु की भी नवम दृष्टि पड़ रही है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए क्या फल आपके ऊपर पड़ने वाला है इसकी अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर मैं भाग्य की दृष्टि से आप लोगों के लिए बात करूं तो विशेष तौर पर चंद्रमा जब जब अच्छे होंगे तब तब आपको इनके अच्छे फल जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छे कब होंगे, जब वो अपने मित्रों के घर में होंगे। मित्र कौन कौन हैं उनके, तो एक तो बृहस्पति देवता बहुत अच्छे मित्र हैं, एक सूर्यदेव बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इनके घरों में जाकर जो चंद्रमा देवता है उन्हें की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है और उसमें अच्छे फल आपके भाग्य को देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे महीने की शुरुआत में ही दो से ढाई दिन चंद्रमा जो है यहाँ पर दो तारीख से लेके चार तारीख के बीच में धनुराशि में बिताएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 से 12 के आसपास के जो समय है उस समय चंद्रमा देवता पंचम भाव में होंगे, तो ये भी समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि 20 से 22 तारीख के बीच में भी जो चंद्रमा देवता है वो यहाँ पर आपके नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे, तो अपने घर में होंगे या फिर गोचर करेंगे यहाँ पर सूर्य की राशि में, तो ये भी समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बीतेगा। तो ये तो हो गया चंद्रमा का फल। अब इसके बाद शनि के फलों को हम देखें, देखिए शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है परंतु शनि चंद्रमा के दुश्मन है,
तो निश्चित तौर पर भाग्य में कुछ अड़चने तो वो पहुंचाएंगे, और आपके लिए वो एक माइल्ड मलिफिसेंट प्लैनेट है। कारण ये है कि थर्ड हाउस हमारी जो कुंडली का होता है, उसका जो भी मालिक होता है ग्रह, वो हमारे लिए एक दुश्मन ग्रह के समान होता है। फंक्शनल मलिफिक हम उसको बोलते हैं। तो शनि की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इसी प्रकार अगर हम बुध को देखें तो बुध भी आपके लिए एक मलिफिक ग्रह ही है, वो भी 11th हाउस के स्वामी है। 11th हाउस भी हमारे लिए एक मलिफिक हाउस ही माना गया है। और इस प्रकार से बुध देवता भी एक तरीके से हमारे लिए माइल्ड मलिफिक प्लैनेट बन जाते हैं। दोनों ही मलिफिक प्लैनेट हैं जिनकी चंद्रमा के घर पर नजर है। साथ साथ केतु देवता, वो भी चंद्रमा के दुश्मन है। बैठे तो वैसे वो अभी उच्च स्थिति में आपके लग्न भाव में है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, परंतु शनि और बुध थोड़ी अड़चनें फंसा सकते हैं। एक और बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि इस महीने काल सर्प दोष भी हमारी जो ट्रांजिट कुंडली है उसमें बन गया है। तो इस दौरान जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उन सभी को काल सर्प दोष जरूर लगेगा। महीने की शुरुआत के 15 दिन में पूर्ण काल सर्प दोष और उसके आखिरी के 15 दिनों में आंशिक काल सर्प दोष बच्चों को लगेगा। तो माता पिता को आवश्यकता है कि इस दौरान जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप पहले से ही सोच समझ कर रखें कि भविष्य में आगे चलकर काल सर्प दोष के उपाय करने पड़ेंगे, वरना आपके बच्चों को जीवन में उन्नति करने में परेशानी आएगी। काल सर्प दोष से बहुत से लोग भयभीत होते हैं, परंतु बहुत सरल अवस्था में आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सरल से तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष, यदि आप लोग 100 रुपए के लिए मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है, वो मात्र 5 या 10 रुपए रह जाता है। तो जीवन में मेहनत और संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है, परंतु जो फल है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये काल सर्प दोष का प्रभाव है। तो आवश्यकता है कि माता पिता पहले से ही अपने मन में प्लस बच्चों का भी उसी प्रकार मार्गदर्शन करते हुए कि जब वो वयस्क हो जाए तो उनके लिए काल सर्प दोष के आपको उपाय करने की आवश्यकता है। इस विचार के साथ ही आप लोग आगे बढ़े। तो ये काल सर्प दोष क्योंकि निर्माण हो गया है, तो ये हर किसी के ऊपर इस समय पर प्रभाव डालेगा, और मेहनत के अनुपात में फलों की जो फल कम मिलेंगे, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और समझते हैं कि यहाँ पर हेल्थ की दृष्टि से समय कैसा है हमारे जो जातक हैं उनके लिए। तो देखिए, हेल्थ की दृष्टि से आपको समझना है कि मंगल सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हेल्थ की दृष्टि से मंगल, क्योंकि लग्न के भी मालिक हैं, छठे भाव के भी मालिक हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। अब ये मंगल जो है वो इस समय पर लग्न भाव में विराजमान है। अब लग्न भाव में विराजमान है तो रुचक योग का निर्माण करेंगे। केंद्र में जब मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति या शुक्र में से कोई एक ग्रह बैठता है, विशेष तौर पर इसमें लग्न भाव में, नवम भाव में, नवम कह रहे हैं दशम में, तो यहाँ पर आपको एक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। इसमें मंगल जो है वो रुचक योग का निर्माण करते हैं, और मंगल ने ये रुचक योग जो है वो केतु के साथ इस समय पर रचा हुआ है। तो ये रुचक योग जो है वो आप लोगों को हेल्दी रखेगा और आपको कालसर्प के प्रभावों से बचाएगा। पहले 15 दिनों में जो कालसर्प का प्रभाव है वो एक तरीके से बहुत हद तक काट दिया जाएगा, क्योंकि मंगल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इस समय पर बेनिफिट आपको पहुंचा रहे हैं। बहुत सी अड़चनों को तो मंगल ही शांत कर देंगे, परंतु हर अच्छी प्लेसमेंट के साथ कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, उस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। ग्रह सिर्फ अच्छा फल नहीं देते हैं, ना केवल बुरा फल देते हैं, वो एक मिक्स फल देते हैं। तो इस मिक्स फल में मंगल जो है वो अगर आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं तो एक तरफ से, दूसरी तरफ से गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी आपको एक डोमिनेटिंग नेचर दे रहे हैं, इसमें आप अपने जीवन साथी और लाइफ पार्टनर पर बहुत ज्यादा हावी पड़ने वाले हैं, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। जो बाद के 15 दिन है जब मंगल यहाँ पर राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आप राइट साइड में कुंडली में देख भी पा रहे हैं कि मंगल द्वितीय भाव में आकर बैठ गए हैं, तब थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो अपने दुश्मन शुक्र के साथ आकर विराजमान हुए हैं। तो इस समय पर थोड़ी दिक्कतें आना लाजमी है। यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वो आप लोगों के लिए फिर इतनी फेवरेबल नहीं रहेगी। उस समय पर स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। चर्चा
चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं जीवन साथी के साथ संबंधों की। तो मैंने बताया कि मंगल के आपके मस्तिष्क पर बैठे होने की वजह से, लग्न भाव में बैठे होने की वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। केतु देवता भी इसी ऐसी ही स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं और सूर्य देवता भी। तो शुरुआत के 15 दिनों में गुस्सा बहुत हावी रहने वाला है। और राहु सप्तम भाव में इस समय पर विराजमान है। उनके डिपॉजिटर यानी कि शुक्र देवता, यानी जिस भाव में वो बैठे हैं, वो है वृषभ राशि। और वृषभ राशि के मालिक जो है वो शुक्र देवता, उनकी स्थिति इस पूरे महीने अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर जीवन साथी के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा अड़चने इस पूरे महीने में देखने को आपको मिल सकती है। इस समय पर जो भी व्यक्ति अपने लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहा है, उसको सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम है। चलिए भक्तगण, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं पढ़ाई की दृष्टि से स्टूडेंट के लिए कैसा समय रहने वाला है। तो मालिक जो है बृहस्पति, वो विराजमान है अपनी ही राशि से 12वीं राशि में। तो ये दर्शाता है कि इस समय पर हायर एजुकेशन में जाने के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, या इस समय अगर आप ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको घर वालों का सपोर्ट, विशेष तौर पर माता जी का सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो इस समय पर ये डिसीजन लेने के लिए एक अच्छा समय है, बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कोई घर का ही सदस्य, विशेष तौर पर माता जो है वो आपके लिए टीचर का रोल निभाने वाली है। वो जीवन में बहुत सी जो शिक्षाएं हैं वो आपको इसी समय पर देंगी और इसका लाभ जो है वो आप पूरे जीवन में उठाएंगे। तो इस समय पर माता जी जो आती हैं वो एक गुरु के समान आपसे व्यवहार करेंगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी माता जी का जो आशीर्वाद है वो लेकर अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, यदि कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो वहां पर जाते हैं, तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए मतलब अंत में बात कर लेते हैं उस उपाय की जिससे आप अपने लिए जनवरी 2022 को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि मंगल को मजबूती अगर हम लोग प्रदान कर लें तो बहुत सी अड़चनें तो ऐसे ही शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो स्वास्थ्य के भी मालिक है और वृश्चिक राशि के लिए तो लग्न के मालिक भी हुई है। तो दोनों ही स्थिति में मंगल देवता बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए बन जाते हैं। ऐसे मंगल को मजबूत करने के लिए आवश्यकता है दो उपाय करने की। सबसे पहले तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर नित्य प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों से जो सिंदूर है वो लेकर अपने माथे पर लगाएं और हनुमान बाबा से आशीर्वाद लेकर ही किसी जरूरी काम पर जाएं। अगर कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है या कोई भी अन्य इंपॉर्टेंट काम है, चाहे वो नई प्रॉपर्टी की आप खरीद या फिर अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन हो चाहे पर्सनल डिसीजन हो, आपको मंगल देवता का आशीर्वाद लेने के पश्चात ही करना चाहिए। तो इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के चरणों से आप जो तिलक है वो अपने माथे पर लगाएं और उसके बाद ही अपने जरूरी काम पर जाएं। वहीं पर आप मंगल के बीज मंत्र का भी हनुमान जी के सामने उच्चारण करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। ये मंगल देवता का बीज मंत्र है, इसका 108 बार उच्चारण करके यदि आप अपने काम पर जाते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलने के जो चांसेस है कई गुना बढ़ जाएंगे। चलिए भक्तगणों, हम लोग आज के प्रोग्राम को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आशा करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट्स में जय शनि देव भी जरूर लिखें। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ इस साल का ये जो पहला महीना है आपके लिए हर प्रकार से धन धान्य ऐश्वर्य संपदा की बहार को आपके जीवन में लेकर आए, ताकि आप अपनी समस्त परेशानियों को साल 2021 में छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यही इसी कामना के साथ अब मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले महीने, तब तक के लिए जय शनि।